जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखेगा कि मीन लग्न की कुंडली में बृहस्पति देवता लग्न के मालिक हैं और दशम भाव के मालिक हैं, और चंद्रमा देवता इस लग्न कुंडली में पंचम भाव के यानी संतान के मालिक हैं। तो इस लग्न कुंडली में बृहस्पति देवता भी और चंद्रमा देवता भी दोनों ही अति योग कारक माने जाते हैं, और इस लग्न कुंडली में गज केसरी योग बनता है। बस शर्त ये याद रखिएगा कि दोनों ग्रहों में डिग्री वाइज उतना बलाबल होना चाहिए कि वो रिजल्ट देने के काबिल ज़रूर हों। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर लग्न में पड़े हुए हों, चाहे बृहस्पति की दशांतर दशा चले चाहे चंद्रमा की दशांतर दशा चले, दोनों ही दशांतर दशाएं जातक को सदैव लाभ देंगी। बृहस्पति की दशांतर दशा पर्सनैलिटी को अच्छा कर देगी, यहाँ से दृष्टि डाली पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव संबंधी भी बृहस्पति देवता पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट दे करके जातक को एक भाग्यवान जातक बना देंगे। भाग्य पर दृष्टि पड़ना बृहस्पति देवता की जातक के लिए एडवांटेजेस लेकर के आता है। चंद्रमा की दशांतर दशा चले तो पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट ला के देंगे चंद्रमा देवता, यहां से चंद्रमा देवता की जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ी तो जातक पत्नी की केयर करने वाला होगा, डेली वेजेस में इंप्रूवमेंट मिलेगी, पार्टनरशिप में भी सदैव लाभ मिलेगा जातक को। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर दूसरे भाव में पड़े हुए तो धन कुटुंब वाणी का सदैव एडवांटेज मिलेगा। जातक के संतान उसके लिए शुभ संदेश लेकर के आएगी, शुभ खबरें, शुभ सूचक होगी उस चीज़ के लिए। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली एडवांटेज मिलेगा, यहाँ से बृहस्पति देवता ने अष्टम भाव पर दृष्टि डाली तो वहाँ के रिगार्डिंग में एडवांटेज मिलेगा, यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो दशम भाव पर दृष्टि डाली तो कामकाज संबंधी भी टोटली एडवांटेज दे करके जातक के कामकाज को नया रास्ता ज़रूर दे देंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा तीसरे भाव में पड़े हुए, चंद्रमा यहाँ उच्च के हो जाया करते हैं, बृहस्पति देवता की इस घर में प्लेसमेंट आना जातक का हार्डवर्क ज़रूर कर देंगे। अगर कामकाज उठा के हार्डवर्क में रख दिया है, बुद्धि को उठा के हार्डवर्क में रख दिया है, बुद्धि से जुड़ा हुआ कामकाज जो साथ में हार्डवर्क करने के बाद ही पूर्ण होगा, ऐसी स्थिति खड़ी कर देंगे। यहाँ बृहस्पति देवता छोटे भाई बहनों से सपोर्ट दिलाएंगे, यहाँ से दृष्टि डाली सप्तम भाव संबंधी एडवांटेज, यहाँ से दृष्टि डाली जो नवम भाव पर तो पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव जरूर रहेगा लेकिन धर्म को जातक मानने वाला जरूर होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, यहाँ से दृष्टि डाली बड़े भाई संबंधी थोड़ी सी एडवांटेज मिलेगा लेकिन धन के पीछे बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आती ही रहेंगी। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में पड़े हुए, यहाँ गज के श्री योग पूर्ण रूप से बनेगा, बृहस्पति भी अपनी दशांतर दशा में पूर्ण अच्छा फल देगा और चंद्रमा देवता भी अपनी दशांतर दशा में पूर्ण फल देगा। माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी टोटली एडवांटेज दे करके माता की केयर करने वाला होगा, माता से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। यहाँ से बृहस्पति देवता ने आठवें भाव पर दृष्टि डाली उसके संबंधी एडवांटेज, यहाँ से कामकाज पर दृष्टि डाली उसके संबंधी एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो नवम दृष्टि बारहवें भाव पर डाली तो विदेश से भी लाभ अर्जित करने का जातक का सपना अवश्य पूरा होगा। बृहस्पति देवता की दशांतर दशा में यहाँ पूर्ण एडवांटेज मिलेंगे लेकिन जब चंद्रमा देवता की दशांतर दशा चलेगी तो भी चतुर्थ भाव संबंधी सारे एडवांटेज मिलेंगे, माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी, यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो दृष्टि डाली दशम भाव पर तो कामकाज के नए रास्ते खोल करके चंद्रमा बुद्धि से जुड़ा हुआ काम करवा करके जातक को कामयाबी अपनी दशांतर दशा में अवश्य देंगे। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर पंचम भाव में पड़े हुए, पंचम भाव में पड़े हुए बृहस्पति चंद्रमा देवता बहुत बली गज के श्री योग बनाएंगे क्योंकि यहाँ चंद्रमा ओन साइन के हो जाएंगे और बृहस्पति देवता उच्च के हो जाएंगे। दोनों ही अपनी दशांतर दशा में जातक का जीवन यापन बहुत आसान करके उसे मान, इज्जत, शौहरत, पैसा, अनसर्टेन गेंस,
कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ, पर्सनैलिटी में नई लुक आना, लवर मास में कामयाबी होना, अगर चंद्रमा बलि हुआ तो पुत्री का योग, अगर बृहस्पति बलि हुआ तो पुत्र का योग बना करके, यहाँ से नवम भाव के संबंधी भी एडवांटेज, यहाँ से ग्यारहवें भाव संबंधी भी एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति देवता लगन पर जो दृष्टि डालेंगे तो पर्सनैलिटी में भी सदैव इम्प्रूवमेंट दे करके पूर्णतः एडवांटेज ही देंगे। चंद्रमा देवता बंदे की मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प करके उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग बना देंगे। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति और चंद्रमा छठे भाव में पड़े हुए, यहाँ गजकेसरी योग की फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि ये भाव गलत है। जब भी बृहस्पति की दशा अंतर दशा चलेगी तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन संबंधी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज संबंधी प्रॉब्लम, यहाँ से बृहस्पति देवता ने दृष्टि डाली तो बारहवें भाव पर फजूल के व्यय पर जो दृष्टि पड़ी फजूल के व्यय होते रहेंगे, यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो दूसरे भाव पर दृष्टि डाली तो दूसरे भाव यानी धन कुटुंब वाणी संबंधी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम सदैव लगी ही रहेंगी, धन का अभाव बना रहेगा, वाणी सदैव उग्र होती रहेगी और परिवार पूर्ण साथ कभी नहीं देने वाला होगा। दर्शकों, चंद्रमा देवता का छठे भाव में पड़े होना संतान सुख से वंचित रखता है, संतान परिपूर्ण नहीं हो पाती, मेमोरी ज़्यादा शार्प नहीं हो पाती, विल पावर स्ट्रांग नहीं होती, अनसर्टेन लॉस होता है, लवर मास में भी फेलियर होता है और स्टमक में भी प्रॉब्लम आती है और अनसर्टेन लॉस कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाता है। बृहस्पति और चंद्रमा दर्शकों अगर सप्तम भाव में पड़े, यहाँ गजकेसरी योग की फॉर्मेशन होती है और दोनों की ही दशा अंतरदशा चाहे बृहस्पति की चले चाहे चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा चले, अपनी दशांतर दशा में दोनों ही ग्रह अच्छा फल अवश्य देते हैं। यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता जो ग्यारहवें भाव पर दृष्टि डाले वहाँ संबंधी एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति पर्सनैलिटी में एडवांटेज, यहाँ से बृहस्पति छोटे भाई बहन मेहनत फजूल की यात्राएं होने से भी जातक को बचा करके एडवांटेज ज़रूर देते हैं। यहाँ चंद्रमा देवता पार्टनरशिप में एडवांटेज देते हैं, यहाँ पत्नी बहुत खूबसूरत मिलती है और यहाँ पड़े हुए चंद्रमा देवता डेली वेजेस में भी नया रास्ता ज़रूर खोल देते हैं और जातक बुद्धि से जुड़ा हो कोई काम करे तो वो सदैव एडवांटेज में रहता है। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली तो चंद्रमा देवता उसके संबंधी भी सदैव कहीं ना कहीं से एडवांटेज अवश्य देते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति अगर अष्टम भाव में पड़े हों, प्रिय दर्शकों, ना तो यहाँ चंद्रमा अच्छा फल देता है ना ही कभी बृहस्पति अच्छा फल देता है, दोनों ही ग्रह गलत प्लेसमेंट में होने की वजह से अति मारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ से बृहस्पति ने व्यय पर दृष्टि डाली तो फजूल का व्यय, यहाँ से बृहस्पति ने धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली तो उसके संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, यहाँ से माता गाड़ी भूमि वाहन पर जो नवम दृष्टि पड़ी बृहस्पति देवता की उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ोतरी करते रहते हैं। माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी प्रॉब्लम, माता से सदा मनमुटाव बना रहना, चंद्रमा देवता की दशांतर दशा में संतान से सदा प्रॉब्लम, संतान से ना बनना, संतान से प्रॉब्लम लेकर के जातक के पेट में भी प्रॉब्लम आती हैं, मेमोरी भी शार्प नहीं रहती और विल पावर भी जातक की स्ट्रांग नहीं होती, बुद्धि में भी कहीं ना कहीं गलत विचार आता ही रहता है। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा नवम भाव में पड़े हुए, यहां चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, नीच के पड़े हुए चंद्रमा देवता कभी अच्छा फल नहीं देते, अपनी दशांतर दशा में संतान से प्रॉब्लम्स, माता गाड़ी भूमि वाहन से प्रॉब्लम्स और सदैव संतान से मेंटल पीस से पूरी तरह डिस्टर्ब करके यहाँ पर बृहस्पति देवता की प्लेसमेंट पड़ी हुई अच्छा फल जरूर देते हैं। चंद्रमा तो नीचता के बुरे फल देता है लेकिन बृहस्पति अपने कारक भाव में पड़े होने से यहाँ पड़ा हुआ बृहस्पति देवता लगन पर दृष्टि डालकर पर्सनैलिटी में अच्छा करता है, यहाँ से बृहस्पति देव तीसरे भाव पर दृष्टि डाल के तीसरे भाव संबंधी अच्छा फल, यहाँ से बृहस्पति देवता जो पंचम भाव पर दृष्टि डालता है तो पुत्र प्राप्ति का योग बना करके मेमोरी शार्प करके जातक की, यहाँ विल पावर स्ट्रांग करके अनसर्टेन गेन जरूर देता है और यहाँ से जातक जल्दी माइंड के सोचे समझे बिना कोई कार्य नहीं करता। जातक धर्म को मानने वाला भी होता है, पिता की केयर करने वाला भी होता है, विदेश यात्रा भी अवश्य ही करने वाला होता है जातक। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव में पड़े हुए बृहस्पति चंद्रमा देवता दोनों ही बहुत अच्छा फल देंगे। बृहस्पति देवता यहाँ पड़े हुए हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे और चंद्रमा देवता अगर साथ में आ गए तो उसके मेंटल एनर्जी को
कर्म के साथ जोड़ना, यानी जातक जितना कर्म करता है बहुत सोच समझ के करता है और उसके पूर्ण रिजल्ट जातक को कई गुना प्लस हो करके मिलते हैं। यहाँ से बृहस्पति देवता ने धन कुटुंब वाणी पर दृष्टि डाली, उसके संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ से बृहस्पति देवता ने चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली तो माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी टोटली एडवांटेज मिलेंगे। और अपनी दशांतर दशा में बृहस्पति की अगर जातक की गाड़ी भूमि मकान वाहन लेने वाला हुआ तो वो बहुत जल्द बना लेता है और माता की बहुत ज़्यादा केयर करने वाला होता है। बृहस्पति देवता ने जो छठे भाव पर नवम दृष्टि डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा से फारिग होकर के जातक हाउस ऑफ कंपटीशन क्लियर करके बहुत अच्छा गजटेड पोस्ट पे जाने का योग बनाता है। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली, कामकाज में पड़े होने की वजह से चंद्रमा देवता बुद्धि से जुड़ा हुआ कामकाज करवा करके जातक को बहुत बड़ा एडवांटेज अच्छा देंगे। यहाँ से चंद्रमा देवता ने जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली तो चतुर्थ भाव के संबंधी भी पूर्ण का चंद्रमा देवता पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर ग्यारहवें भाव में पड़े हुए, यहाँ वो गजकेसरी फॉर्मेशन की योग नहीं बनाएंगे। यहाँ गजकेसरी का कोई भी रिजल्ट पॉजिटिव हमें नहीं मिलने वाला। उसका सबसे मुख्य कारण ये होगा कि बृहस्पति देवता ग्यारहवें भाव में नीच के हो जाते हैं और नीच के बृहस्पति देवता कभी भी पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। वो सदैव अशुभ हो जाएंगे और अपनी दशा अंतर दशा में टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। कामकाज संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़े भाई बहनों से भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, धन का अभाव बना रहेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती रहेंगी। यहाँ से दृष्टि डाली मेहनत पे, छोटे भाई बहन पे फजूल की यात्राएं होती रहेंगी। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो बुद्धि को तीक्ष्ण नहीं रहने देंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, संतान से नहीं बनने देंगे, संतान होने में भी प्रॉब्लम्स ही देंगे। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो सप्तम भाव का डेली वेजेस का रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देना, पत्नी से दिक्कत परेशानियाँ होना और पार्टनरशिप में भी बृहस्पति देवता की दशांतर दशा में सदैव प्रॉब्लम्स ही आएंगी। चंद्रमा देवता की यहाँ दृष्टि पड़ी तो चंद्रमा देवता ग्यारहवें भाव के संबंधी तो पॉजिटिव रिजल्ट सदैव देंगे, लेकिन पंचम भाव पर जो दृष्टि डालेंगे तो वहाँ पुत्री का योग अवश्य बना देंगे। संतान के होने के बाद भी जातक को लाभान्वित वो जरूर करती है, क्योंकि जातक ने संतान को उठा के ही लाभ में रख दिया, तो इश्यू होने के बाद जातक को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलती है। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति और चंद्रमा बारहवें भाव में पड़े हुए तो यहाँ गजकेसरी योग को नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये गलत भाव है। अपनी दशा अंतर दशा में ना तो बृहस्पति ही कभी अच्छा फल देने वाले हैं, ना कहीं चंद्रमा देवता अच्छा फल देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही अति मारक ग्रह बन जाते हैं। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता की दशा अंतर दशा सदैव मृत्यु तुल्य कष्ट तक देगी। फजूल के व्यय बढ़ा करके जातक को सारी ज़िंदगी ये समझ में नहीं आ रहा था कि फजूल के व्यय क्यों बढ़ते जा रहे हैं। ये अस्पताल का खर्चा भी है, जेल यात्रा का खर्चा भी है। यहाँ टोटली नेगेटिव रिजल्ट देकर के बृहस्पति देवता अति मारक गिने जाएंगे। यहाँ से बृहस्पति देव चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाली, वो भी रिजल्ट नेगेटिव। यहाँ से छठे भाव पर बृहस्पति ने दृष्टि डाली, वो भी नेगेटिव। यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि डाली तो भी बृहस्पति देवता पूर्ण नेगेटिव रिजल्ट देंगे और चंद्रमा भी यहाँ पड़े हुए टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके औलाद संबंधी सारी प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, फजूल के व्यय होना, यहाँ से चंद्रमा देवता की जो सप्तमी दृष्टि छठे भाव पर पड़ी तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा बढ़ा करके मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे और जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देंगे। तो बारहवें भाव में पड़े हुए चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, इस लग्न कुंडली में बृहस्पति का पुखराज और मोती दोनों ही धारण किए जा सकते हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी है उनकी प्लेसमेंट ठीक घर में होनी चाहिए। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।